तो आप यहाँ पासवर्ड हिंट में जो है स्कूल डाल सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं और आपको हिंट मिल जाए स्कूल, तो आपको वो पासवर्ड याद आ जाए। ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड हिंट होता है कि किससे रिलेटेड आपने पासवर्ड डाला है वो हिंट यहाँ पर दे सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू सेट पासवर्ड इन लैपटॉप विंडोज 10, यानी लैपटॉप में पासवर्ड कैसे डालें। देखो, अगर आपका कोई पर्सनल लैपटॉप है और आप नहीं चाहते कि कोई भी जो है दूसरा आपके लैपटॉप को एक्सेस करे, तो ऐसे में आप जो है अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। कैसे, तो अभी जो है मैं आपको पासवर्ड लगा के दिखाऊंगा कि लैपटॉप में पासवर्ड लगाते कैसे हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूं कि मेरी लैपटॉप पे जो है पासवर्ड लगा है या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो अभी मैं इसको स्लीप मोड पे डालता हूं। कैसे करना है, तो यहां पे विंडोज पे आऊंगा एंड यहां पे जो है पावर बटन पे आऊंगा एंड यहां पे देखो स्लीप मोड है। जैसे इस पे आऊंगा देखो यहां पे ये स्लीप मोड पे आ गया है। ठीक है, अब यहां पे डबल क्लिक करूंगा एंड देखो यहां पे डिस्प्ले ऑन हो गया है और इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया बिना किसी पासवर्ड को डाले, यानी कि अभी यहां पे पासवर्ड नहीं लगा है। अब हम यहां पे पासवर्ड को सेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो पासवर्ड को सेट करने के लिए वापस से आप उस विंडोज वाले बटन पे क्लिक करो एंड यहां पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आ जाओ एंड यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें से आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें से आपको जाना है साइन इन ऑप्शंस का। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो देखो यहां पे भी जो है लॉक करने का बहुत सारा अलग अलग मेथड है, जो कि 6 मेथड है। पहला जो है वो है फेस का, यानी फेस लॉक का, दूसरा है फिंगरप्रिंट का, तीसरा है पिन का और चौथा जो है वो है सिक्योरिटी का, की का। देखो सिक्योरिटी की जो है ना, एक्चुअली ये क्या होता है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे है पासवर्ड और छठा जो है पिक्चर पासवर्ड। तो हमको क्या करना है कि अभी हम लोग को पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना है, ये जो पासवर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली से आप यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक ऐड का जो है बटन दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दिखेगा। पहला जो है न्यू पासवर्ड, दूसरा है कन्फर्म पासवर्ड और तीसरा है हिंट पासवर्ड। तो अपना पासवर्ड सबसे पहले न्यू पासवर्ड में डाल दो, सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे पासवर्ड हिंट है। अब देखो ये एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई पासवर्ड डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, फिर या तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अपने स्कूल से रिलेटेड कोई पासवर्ड डाला, जैसे आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी, तो आप यहाँ पासवर्ड हिंट में जो है स्कूल डाल सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं और आपको हिंट मिल जाए स्कूल, तो आपको वो पासवर्ड याद आ जाए। ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड हिंट होता है कि किससे रिलेटेड आपने पासवर्ड डाला है वो हिंट यहाँ पर दे सकते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद सिंपली से आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पे देखो फाइनल हो गया है और यहाँ पे फिनिश कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो देखो मेरे लैपटॉप पे जो है पासवर्ड सक्सेसफुली लग चुका है। अब ये पासवर्ड लगा है या फिर नहीं लगा है अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो सेम प्रोसेस करूंगा, वही स्लीप मोड पे जाऊंगा। कैसे जाना है, अभी आपने देखा विंडोज पे आऊंगा एंड यहाँ पे पावर बटन पे आऊंगा एंड यहाँ पे स्लीप है उस पर क्लिक करूंगा। देखो ये स्लीप मोड हो गया है। अब वापस से मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा, ठीक है, डबल क्लिक किया, देखो डिस्प्ले ओपन हुआ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये पासवर्ड मांगने लग गया है। ठीक है, अभी पहले मैंने जब ट्रायल किया था तब यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा था, डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पे चला गया था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड लगा लिया है। तो अभी जो मैंने पासवर्ड वहाँ पे लगाया था सेम पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ एंड देखो यहाँ पे मैंने जो है सबमिट किया, तो देख सकते हैं कि ये मैं वापस से अपने डेस्कटॉप पे आ गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है मैंने विंडोज 10 के अंदर जो है लैपटॉप में पासवर्ड लगा लिया। आई होप कि आप जो है सीख गए होंगे किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में जो है विंडोज 10 के अंदर इस तरीके से जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और गाइस, आपके लिए सिर्फ यहाँ पे 2 वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।